कपास किसान 2015 से गुलाबी सुंडी जैसे विनाशकारी कीट से जूझ रहे हैं। ये कपास की फसल का बहुत खतरनाक कीट है। इस कीट के कारण किसानों को गुणवत्ता और उत्पादन के मामले में भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने का एकमात्र समाधान क्रेमिट पीबीडब्ल्यू पेस्ट या ये आविष्कारिक उत्पाद जिसे ATGC बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। ये एक विशेष तकनीक है जो भारत में पहली बार ऑटो कन्फ्यूजन विधि के माध्यम से संभोग प्रक्रिया को बाधित करता है। कपास को गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए इस तकनीक को वर्तमान में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। प्रति एकड़ प्रति प्रयोग 125 ग्राम पेस्ट की एक ट्यूब पर्याप्त है। गुलाबी सुंडी के प्रभावी प्रबंधन के लिए इस पेस्ट को पहली बार 30 से 35 दिन बाद, दूसरी बुआई के 60 से 65 दिन बाद और तीसरी बार 90 से 95 दिन बाद लगाना चाहिए। मटर के दाने के आकार के 400 से 500 पेस्ट के धब्बे पौधे की धुरी पर समान रूप से प्रति एकड़ प्रति प्रयोग करना चाहिए। सभी कपास किसान सामूहिक रूप से इस जैविक पेस्ट का उपयोग फसल को गुलाबी सुंडी के खतरे से बचाने और स्वस्थ एवं अच्छी कपास की फसल का लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं।